नमस्कार साथियों, मैं राम प्रकाश और आप देख रहे हैं LNI न्यूज गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम यहाँ हिसार से जो है पिलाड़ी चले थे और हिसार से पिलाड़ी चलने के बाद में बहल जो है बस चेंज करनी पड़ती है। तो बहल से जब हमने बस पिकअप की, सेकंड बस जब पिकअप किया तो वहां से जो है यहाँ एक अजीब मामला देखने को मिला कि, और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद आप यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से जो है सरकार को चूना लगाया जा रहा है रोड टैक्स के मामले में। तो यहाँ पर जो है बस में कंडक्टर द्वारा जो है किसी को भी टिकट्स वगैरह नहीं दिया जाता है और सवाल जवाब करने पे बोला कोई नहीं देता, आप जो करना है वो कर लीजिएगा, हमें भी टिकट जो है कहीं ना कहीं नहीं दी गई है और पैसे हमसे ले लिए गए हैं। अगर कल को कोई दुर्घटना या किसी पैसेंजर के साथ में कोई हादसा होता है तो ये तो अपनी बस छोड़ के भाग जाएगा, तो उसका वकील का जो जिम्मेदार है वो कौन है? अगर किसी के साथ में कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो अभी हम बस में बैठे हैं, यहाँ पे एक दो सवारी से भी हम टिकट दिया था, कौन नहीं दिया टिकट? तो आपने टिकट मांगा इनसे? वो दे ही कौन आ रहा है? नहीं, क्यों नहीं देते हैं, क्या कारण है? कोई नहीं पता। आपको दिया टिकट इन्होंने? कौन दे टिकट? करे क्या कारण? कभी नहीं देते हैं, कभी नहीं देते। अगर कल को आपके साथ कोई हादसा होता है तो जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो आपको पता है कि इसके साथ में दुर्घटना बीमा करती है टिकट के साथ में? पता है, आपको कौन जाता है? तो आप टिकट क्यों नहीं मांगते इन लोगों से? माना टिकट आपको सारी बात ये मामे का होगा ये। अच्छा, यही बात आपको कहते हैं? ये टिकट कौन देवा में? तो कभी भी नहीं देते, कभी नहीं देते। ये देखा कि इन्होंने बताया कि भी किसी को टिकट नहीं देते। आपको दिया भैया टिकट? क्या कारण है? आपने सवाल क्यों नहीं किया इसे? आपने पूछ लिया भाई, हमें पहली बार आए भाई। नहीं, आपको ये पता है जब राजस्थान गवर्नमेंट जो है अगर टिकट आप लेते हो तो उसके साथ में एक दुर्घटना बीमा जो है कहीं ना कहीं करती है। अगर आपके साथ में कोई दुर्घटना हो जाता है बस में, अगर कुछ भी हादसा हो जाता है, ये तो बस छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि ये टिकट तो देते नहीं आपको। तो अगर हादसा होने के बाद में जब ये पता लगे कि आप बस में थे और जब दूसरा देखेगा तो कहेगा तो आप बस में नहीं थे क्योंकि आपके पास कोई ऐसे प्रूफ ही नहीं है। नहीं है ना? तो आप लोग सवाल जवाब क्यों नहीं करते? आप युवा है तो आपको टिकट लेनी चाहिए। आपने पैसे लिए हैं? पैसे दिए हैं ना इनको? कितने रुपए दिए हैं पिलाड़ी से? कितने रुपए लिए? कितने? 30 रुपए लिए हमसे इसने, 60 रुपए लिए। बैल से बैठा हूँ, बैल से फिर आप? हाँ, तो बैल से ही, तो बैल से पिलाड़ी गए, हमसे 60 रुपए लिए। मैं पिलाड़ी नहीं जाऊँ, मैं रामपुरा जाऊँगा। आप रामपुरा बीच में जाएंगे? ठीक है, टिकट आपको नहीं दिया इसमें? आपसे किया भैया, कौन है मालिक? मालिक चला रहा है, उससे बात नहीं। तो आप रोड टैक्स चोरी कर रहे हो क्या आप? मालिक रहे, उससे पूछ रहे हैं। अब आप बताओ ना, टिकट क्यों नहीं देते आप लोग? कारण तो बताओ, कौन सा कारण होगा? टिकट के बोलेंगे मैं टिकट दे दूंगा भैया। तो दो ना फिर, बैल से हम पिलाड़ी पहुंच गए, बस टिकट है नहीं भैया। तो टिकट नहीं तो बस कैसे चला रहे हो आप? वो मालिक से बात कर लो भाई साहब, वो मालिक चला रहा है। मालिक है क्या आपका? मालिक से बात कर लेंगे, कर लो भाई साहब। इस सरकार को चुना लगा रहे हो आप लोग हैं? आपको बता दिया हमने, मैं प्रेस में हूँ, मेरा कार्ड मेरे गले में है, किसी प्रेस कार्ड मेरे गले में है, आप किसी भी प्रेस में हो। चलो ठीक है, लेकिन एक मिनट सुनो आप, हम भैया हमने किराया दिया था, ठीक है, किराया दिया, तो टिकट तो मांगेंगे ना आप? टिकट हमारे पास, ये लोकल रूट की गाड़ी है, इसमें कोई टिकट अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ चल रही है हरियाणा में, हम तो दे रहे हैं, जो चल रही है उनमें अलाउड है प्रेस? नहीं, सीट गाड़ी हमारी, जितनी सीट RC पास है ना उतनी का टैक्स लेती है सरकार हमसे। आप टिकट क्यों नहीं देते फिर? टिकट का हमारे राजस्थान में प्रावधान है, क्या कारण है? फिक्स टैक्स है हमारा। कितना टैक्स है? 13,000 रुपए महीने का टैक्स है। टैक्स तो सभी दे रहे हैं सर, छोटी गाड़ियां भी देती है, बड़ी गाड़ियां भी दे रही है। टैक्स तो हर टैक्स तो हर आदमी का लगता है ना? कौन दे रहा है? आप ये देख रहे हैं, टैक्स तो हर चीज का लगता है ना? बताओ, आप इसको बंद करो पहले। अच्छा, क्यों? बात आराम से करो। क्यों, क्या कारण है? पहले साथी पत्रकार धूप सिंह तो इससे अपने दिए हुए पैसे की टिकट की मांग कर रहे थे और इनको लगा कि यह पत्रकारों को मिल रहे डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। दरअसल हमारे साथी पत्रकार की मंशा बड़ी साफ है कि अगर उन्होंने 60 रुपये किराए का पे किया है तो उनको उसकी रसीद या पर्ची मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि गहलोत साहब ने यह तो नहीं कहा होगा इस बस वाले से कि इसकी पर्ची नहीं देना है, लेकिन यह बस वाले हैं कि यह गहलोत साहब से अपने आप को ऊपर समझते हैं क्योंकि इनका कहना है कि हमारी सीट के हिसाब से सरकार टैक्स ले लेती है, फिर ये जनता से चाहे जो भी वसूलें उसके रसीद और टिकट देने की इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल को अगर कोई हादसा हो जाता है और इस बस में किसी की जान चली जाए तो यह बस मालिक अपने आप भाग जाएगा और इसको गहलोत साहब क्या दुनिया की कोई ताकत ढूंढ नहीं पाएगी। सोचिए, टिकट क्यों ना लिया जाए।